सो गाइस, अभी के टाइम में इस टाइप के रील्स वीडियो इंस्टा पे बहुत ही ज़्यादा वायरल एंड ट्रेंडिंग में चल रही है। तो अगर आप भी इस टाइप के रील्स वीडियो बना के अपलोड करोगे तो यार आपकी भी रील्स जरूर वायरल होगी। सो गाइस, आपको इस तरह के रील्स वीडियो आपको कैसे एडिटिंग करना है इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा गाइस। बट वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपने अभी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दो, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सकते हो। सो गाइस, यहाँ पे आपको मैं लाइव प्रूफ दिखा दूँ तो यहाँ पे देख सकते हो 40,000 रील्स अपलोड है यहाँ पे, सभी के वीडियो यहाँ पे वायरल में चल रही है। तो आपको भी इस तरह के रील्स वीडियो बनानी है तो गाइस आपको सबसे पहले प्ले स्टोर ऐप ओपन करना है, एंड प्ले स्टोर ऐप ओपन कर लेने के बाद सर्च करनी है आपको VN वीडियो एडिटर। गाइस, इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड कर लेने के बाद गाइस यहां से मैं VN ऐप एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूं, एंड ओपन कर लेने के बाद आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि कुछ ऐड आएगी। ऐड को आपको गाइस इग्नोर कर लेना है। इग्नोर कर लेने के बाद आपको यहां पे गाइस बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको कहां पे क्लिक करना है वो मैं आपको बता देता हूं। सो गाइस, आपको यहां पे प्लस पे क्लिक करना होगा, एंड प्लस पे क्लिक कर लेने के बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होगा। न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको जिस वीडियो को एडिट करना है आपको उस वीडियो को यहाँ से ले लेना है। सो गाइस, मैं कुछ वीडियो मैंने डाउनलोड की थी, इस वीडियो को यहाँ से ले लेता हूँ एंड ओके कर लेता हूँ। सो गाइस, वीडियो ऐड हो गई है। हो जाने के बाद गाइस आपको लास्ट में आ जाना है, एंड ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दिखेगा इस पर टैप करना है एंड इसे डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद गाइस वीडियो जो ऐड हो गई है, हो जाने के बाद गाइस आपको ऊपर में दिखाई दे रहा होगा ओरिजिनल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना होगा एंड इसका फ्रेम रेशो आपको 9:16 रख लेना है। रख लेने के बाद गाइस आपको यहाँ पे गाइस आपको गैलरी पे क्लिक करना होगा, एंड गैलरी पे क्लिक कर लेने के बाद वीडियो एस फोटो पे क्लिक करना होगा। क्लिक कर लेने के बाद गाइस यहाँ पे गाइस मैं कुछ स्काई वाले वीडियो आपको मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ये वीडियो गाइस आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से वीडियो डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइस, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, यहाँ पे गाइस लास्ट में आ जाना है एंड मार्क्स पे क्लिक करना होगा। मार्क्स पे क्लिक कर लेने के बाद लीनर पर दो बार टैप करना होगा। लीनर पर दो बार टैप कर देने के बाद आपको एरो को इस तरह से नीचे खींचना है। खींच लेने के बाद ओके कर लेना है। ओके कर लेने के बाद एक बार मैं वीडियो आपको प्ले करके दिखा दूँ तो सो गाइस देख तो वीडियो जो थोड़ा बहुत एडिट हो गया। सो गाइस, अगर आपको भी और थोड़ा सा इसको जूम करना है आपको अपने वीडियो के हिसाब से तो आप जूम कर सकते हो। सो गाइस, मैं थोड़ा सा इतना जूम कर लेता हूँ। जूम कर लेने के बाद देख सकते हो वीडियो जो एडिट हो गई है। हो जाने के बाद फिर से गाइस आपको यहाँ पे गैलरी पे क्लिक करना होगा, वीडियो एज फोटो पे क्लिक करना होगा। क्लिक कर लेने के बाद गाइस ये 14 सेकंड वाली भी ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइस, वीडियो ऐड कर लेने के बाद आपको ब्लेंडिंग पे क्लिक करना होगा एंड इसे स्क्रीन कर देना होगा। स्क्रीन कर देने के बाद ओके कर लेता हूँ। ओके कर लेने के बाद वीडियो जो देख सकते हो एडिट हो गई। हो जाने के बाद गाइस इसमें गाइस आपको एक म्यूजिक ऐड करना होगा, तो म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको म्यूजिक पे क्लिक करना होगा। फिर से म्यूजिक पे क्लिक करना होगा एंड म्यूजिक पे क्लिक कर लेने के बाद प्लस पे क्लिक करना होगा एंड एक्स्ट्रा फॉर्म वीडियो पे क्लिक करना होगा। क्लिक कर लेने के बाद गाइस यहाँ पे गाइस मैं ये 9 सेकंड वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो गाइस यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, चूज पे क्लिक करना होगा। चूज पे क्लिक कर लेने के बाद ओके कर लेना होगा। ओके कर लेने के बाद देख सकते हो वीडियो जो एडिट हो गई है। हो जाने के बाद इस तरह से आपको लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आ जाने के बाद गाइस मेरा वीडियो यहाँ तक एंड होता है, यहाँ तक मेरा वीडियो एंड हो रहा है। तो आपको कैसे कट करना है, एंड यहाँ पे आपको वीडियो पे टैप करना होगा, स्प्लिट करना होगा। स्प्लिट कर देने के बाद आपको जिस वीडियो को आप स्प्लिट किए इस वीडियो पे टैप करना होगा एंड इसे डिलीट कर देना है। डिलीट कर देने के बाद गाइस आपको इसे गैलरी में सेव करने के लिए आपको एक्सपोर्ट पे क्लिक करना होगा, एंड ये वीडियो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। हो जाने के बाद आपको रील्स वीडियो कैसे पोस्ट करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, एंड चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर दो, क्योंकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सकते हो। सो गाइस, यहाँ से गाइस मैं अपना इंस्टाग्राम ऐप ओपन करता हूँ, एंड इंस्टाग्राम ऐप ओपन कर लेने के बाद इस ऑडियो का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस ऑडियो पे आ जाओगे। आ जाने के बाद आपको यूज ऑडियो पे क्लिक करना होगा गाइस। यूज ऑडियो पे क्लिक कर लेने के बाद सो गाइस प्लस पे क्लिक कर लेने के बाद जो वीडियो आपने अभी एडिट किया इस वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको गाइस ऐड पे क्लिक करना होगा। ऐड पे क्लिक करने के बाद प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा, एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर लेने के बाद गाइस अगर आप इस वीडियो में कुछ
इफेक्ट ऐड करना चाहते हो तो आप इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो। सो गाइस इफेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे गाइस आपको बहुत सारी इफेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप ये भी इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग चल रही है ये भी इफेक्ट, तो मैं इस इफेक्ट को ऐड कर लेता हूँ। ऐड कर लेने के बाद डन कर लेता हूँ गाइस। डन कर लेने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेने के बाद रील्स वीडियो पोस्ट करने के लिए आपको शेयर पे क्लिक करके आप अपनी रील्स वीडियो को शेयर कर सकते हो।